प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठक बुला ली है। खबर यह है कि 100 दिन के एजेंडे पर इसमें चर्चा होगी, यानी कि ये मान लिया है अब एनडीए ने कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 100 दिन के एजेंडे पर आज एक महामंथन किया जाएगा। उधर कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हो रही है जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के नेता उम्मीदवारों से वर्चुअल मुलाकात करेंगे। नीतीश भी दिल्ली आ रहे हैं जो कि एनडीए की इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो कांग्रेस आगे की रणनीति पर बैठक कर रही है, वहीं एनडीए की आज अहम बैठक बुलाई गई है। नतीजों से पहले ये सियासी हलचल हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, बात करेंगे तमाम संवाददाताओं से। लेकिन आज दिल्ली में कई अहम बैठक बुलाई गई है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, एनडीए की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उसमें कौन कौन शिरकत करने वाला है और कितने बजे कांग्रेस की बैठक में कौन कौन शिरकत करने वाला है और इस बैठक को कितने बजे शुरू किया जाएगा? देखिए, बैठक चल रही है कांग्रेस मुख्यालय पर जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, मीडिया के जो इंचार्ज हैं जयराम रमेश वो मौजूद हैं। और ये एक वर्चुअल मीटिंग है जिसमें तमाम जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है कि 4 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप किस प्रकार से एहतियात बरत सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर राउंड के बाद आप जो वोट हैं उनका मिलान करिए और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सस्पिशन होता है, उसके बाद आप पार्टी को इन्फॉर्म करिए, वहां पर जो पोलिंग ऑफ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करिए ताकि किसी प्रकार का कोई शक व शुबा ना रह जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2 दिनों से इस बात को उठा रही है कि जो मतगणना है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। मसलन पार्टी चाहती है कि पोस्टल बैलेट्स को इस बार सबसे पहले काउंट किया जाए और उस नंबर को फिर पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि ना सिर्फ अपने जो प्रत्याशी हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए कि कैसे आपको काउंटिंग प्रोसेस पर पूरी नजर बनाकर रखनी है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी फीडबैक भी ले रहे हैं इन प्रत्याशियों से कि आपका चुनाव किस प्रकार से रहा, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल एक तरफा इशारा कर रहे हैं एक सुनामी का, उसको लेकर भी ये आप कह सकते हैं कि ग्राउंड से फीडबैक लिया जाएगा पार्टी के द्वारा इन प्रत्याशियों से, और उसके बाद ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी आप इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए। मैं जानकारी और दे दूं कि थोड़ी ही देर के बाद एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कमीशन भी जाएगा जहां पर उन तमाम चीजों के बारे में जो भी कंसर्न्स हैं पार्टी के, मसलन पोस्टल बैलेट को लेकर और किस प्रकार से आपको जो वोट है उनका जो मिलान करना, इन तमाम चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया जाएगा। कोशिश है, पूरी जो प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके अंदर उनका से बने, उनकी आप कह सकते हैं कि जवाबदेही तय करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की ताकि किसी प्रकार से कोई शक शुबा ना रह जाए, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आए हैं वो पूरी तरीके से एक तरफा दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है, अभी भी जो उन्होंने चुनाव लड़ा है उससे ग्राउंड से जिनको फीडबैक मिला है वो 295 से नीचे नहीं जाएगा इंडिया गठबंधन और अगली सरकार उनकी ही बनेगी। लेकिन अगर नतीजों में ये तब्दील नहीं होता है जो वो आकलन कर रहे हैं और एग्जिट पोल के अगर नतीजों की माने उस हिसाब से हर बार की तरह 2019 की तरह कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर उंगली उठाएगी, एक बार फिर वही बात कहेगी जो उसने 2019 में कही थी? देखिए, ईवीएम को लेकर पार्टी ये साफ तौर पर ये कह चुकी है कि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कभी भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं। उनके कुछ नेताओं ने हालांकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की अभी करारी हार हुई थी उसके बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, लेकिन जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली हमारा स्टैंड नहीं है ईवीएम को लेकर। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, गाय बगाए पार्टी के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती रही है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनका मिलान किया जाए वोटों के साथ में, और अगर नतीजे कमोबेश वही रहते हैं जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस धर्रे से कांग्रेस पार्टी चल रही है, पहले 44 सीटें लेकर आती है 2014 के अंदर, उसके बाद 52 सीटें लेकर आती है, और अभी का जो आंकड़ा है वो 60-70 के बीच में दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो अगर इसी धर्रे पर अगर कांग्रेस पार्टी
पार्टी चल रही है, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। वो लगातार चिंतन मनन कर भी रहे हैं। कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि यूनाइटेड ऑपोजिशन की जो एक तस्वीर खींची गई थी बड़ी, उसको बना के रखा जाए और 4 तारीख का इंतजार किया जाए, नतीजों के बाद ही अगला कदम उठाया जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। ये मीटिंग बेहद अहम जो कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से बुलाई गई है, जाहिर तौर पर एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा चर्चा इस बात पर की जा रही है कि किस तरीके से यह सुनिश्चित किया जाए कि जो नतीजे आते हैं वो कांग्रेस के आकलन से सटीक और फिट बैठते हैं। अब बिहार की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे बिहार के लिए क्या कह रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं जिसमें एनडीए को 48% वोट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिल रहा है, वहीं अन्य को 10% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सीटों की बात कर लें तो एनडीए को 2019 में 39 सीटें हासिल हुई थी, इस बार 2024 में 69 से 33 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सीटों का नुकसान यहां पर एनडीए को हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, जफर इस्लाम जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कंचन यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही तमाम अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम जी आपका रुख करते हुए, पिछली बार से तो कम सीटें बता रही है एग्जिट पोल आपके लिए, कहां नुकसान और कैसे नुकसान का आकलन कर रही है इस वक्त एनडीए? अरे अरे कुछ दिखता नहीं, लाइट लगा के रख देते हो। जफर जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। जफर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए नेहा जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आ रही आ रही। हाँ मुझे आवाज अब आ रही है, मैं टीवी से सुन के आपके आवाज मैं जवाब दे रहा हूँ, फोन कट लाइन कट गया है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद से उम्मीद जो थी वो पहली, जो पहला लक्ष्य हमारा था कि हम किसी तरह भी अपना पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है, पिछले बार का परफॉर्मेंस, उसको बेहतर करें। और उसके बाद जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि हम 370 और एनडीए के लिए 400 पार, जब एनडीए कहते हैं तो एनडीए के साथ साथ हम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो लोग जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, जैसे बहुत सारी पार्टियां जो हमारे एनडीए खेमे में नहीं लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, सब मिला के 400 के ऊपर हो, तो ये हमने अचीव किया है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है। और ये जब आंकड़े, जब एक्चुअल आंकड़े आएंगे, ये तो सिर्फ ये है, लेकिन जब एक्चुअल आंकड़े आएंगे तो इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। हमें परफॉर्मेंस की उम्मीद हमें है। कैसे बेहतरीन हो गया सर? ओवरऑल बात कर रहे हैं, आपने बिहार का पूछा था, वो ओवरऑल बता रहे हैं। जफर इस्लाम जी के पास दोबारा रुक करेंगे, संगीत रागी जी हमारे साथ, एक छोटी सी टिप्पणी संगीत जी से ले लेती हूँ। संगीत जी, क्या तेजस्वी यादव का एक सशक्त आरजेडी के नेता के तौर पर उभरना और जिस तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन को बिहार में प्रचार करवाना, वहां पर सबसे अहम बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित हुआ और 7 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही है? देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा को ध्यान में रख करके लड़ रहे थे, वो लोकसभा को ध्यान में रख करके नहीं लड़ रहे थे। उनको आने वाले विधानसभा में अपनी धमक दिखाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर चुनाव में जो उनके पुराने बड़े बड़े नेता थे, चाहे जगदानंद सिंह और बाकी सारे नेता, वो सारे नेता कहीं भी आपको दौर में दिख नहीं रहे होंगे। वो किसके साथ मटन मछली खा रहे थे, तो एक दूसरे व्यक्ति के, नए व्यक्ति आए थे, उनको हेलीकॉप्टर में लेकर के चारों ओर प्रवास कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से लड़ाई लड़ा है, और आप सच कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं चुनाव खत्म हो गया है, तेजस्वी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन बिहार की में जो जाति फैक्टर है वो ज़रा इम्पॉर्टेंट रोल आ गया है, और यही कारण जो है वो आंकड़ों में कमी आपको थोड़ी बहुत जो दिख रही है वो एक फैक्टर है जो आया। जो कांग्रेस पार्टी ने जब अपना कैंपेन शुरू किया तो वो झूठ पर के आधार पर कैंपेन शुरू किया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण दे देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो चीज़ थी वो पूरा कहीं इसका कोई आधार नहीं था। अब आप कहेंगे कि
कई लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने भी तो ऐसा किया। अब जब आप एक बार फुटबॉल के मैच में जब आप लंगी मारना शुरू कर देंगे, फॉल खेलना शुरू करेंगे, तो दूसरे से आप सराफत की उम्मीद मत करेंगे कि वो नहीं खेलेगा। नतीजा ये है कि कैंपेन बहुत दूसरी दिशा है। आप यदि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को देखिए तो एक शानदार मैनिफेस्टो लेकर साथ प्रधानमंत्री डेवलपमेंट वगैरह की बात ही लेकर के निकले थे। यहाँ पर संगीत रागी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी तरीके से बिहार में प्रचार जिस तरह से किया गया, जिस तरीके से बीजेपी ने आखिरी मोमेंट अपना एजेंडा बदला, वहां पर जाति की राजनीति एक तरीके से हावी रही, आप किस तरीके से इस एग्जिट पोल को देखते हैं? देखिए, हम ससम्मान पूर्वक एग्जिट पोल का निषेध करते हैं। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं एग्जिट पोल को, चूंकि हमारी ग्राउंड रियलिटी बिहार में बिल्कुल अलग है। जिस शख्स ने वहां पर 5 लाख नौकरियां दी हैं, तो बिहार का यूथ जाति से धर्म से अलग हटकर के तेजस्वी जी के पीछे चला है, इंडिया गठबंधन के पीछे चला है। इस बार आप इस चीज को देखिएगा कि दलीय सीमाएं, जाति सीमाएं और धार्मिक सीमाएं तीनों टूट करके इंडिया गठबंधन के पास वोट आ रहा है। आप एग्जिट पोल में कुछ भी करते हैं बिल्कुल ठीक है, आपके अपने तरीके हैं, आप करिए, आपके तरीकों का सम्मान है, लेकिन हम सम्मान पूर्वक उसको अस्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में मैंने देखा है, जो अपना गंगा से किनारे लगी हुई बेल्ट है, जिस तरीके से वहां के बच्चे, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे अगड़ों के हों, पिछड़ों के हों, दलितों के हों, महादलितों के हों, हर आदमी की एक उम्मीद थी कि जिस शख्स ने 5 लाख नौकरियां बिहार की सरकार तो आपका में आने जो के बाद 1 लाख खाते में डालने का वादा था, वो दरअसल काम कर रहा है आपके लिए, ये आपका आकलन है? क्योंकि एग्जिट पोल को आप नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सीटें आपकी आ रही हैं। कंचना यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। कंचना जी, वहां पर बार बार खटाखट वोट आना और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके नेताओं ने किया, जिस तरह के वीडियोज जारी किए, उस तरह के नतीजे तो नहीं दिख रहे हैं एग्जिट पोल में? कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जरूर। मैं एक सवाल आपके एग्जिट पोल पर पूछूं कि कितने सैंपल सर्वे थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट से जुड़ी हूं, आप मुझे बता देंगे बाद में? पहले बताएंगे, पहले आप सैंपल साइज आप अपना जवाब अपने सर्वे का बता सकते हैं? हमने नहीं, सारे नहीं, जो नहीं, मैं जवाब इसलिए मैं जवाब है, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, सुनिए, बिल्कुल दीजिए जवाब, लेकिन ये एक डेटा है। मैं इसलिए पूछी क्योंकि 2024 के इलेक्शन में टोटल बूथ संख्या 10.5 लाख था, मतलब 10.5 लाख। से थोड़ी देर बाद हम ग्राफिक्स में डेटा भी चला देंगे आपके लिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 5 लाख, एक सेकंड, आप आवाज ऊंची कर लीजिए, मैं आपसे ज्यादा आवाज ऊंची कर लूंगी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है कंचना जी। नहीं नहीं, मैं आवाज ऊंची नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं बस एक आंकड़ा बताना चाह रही हूँ आपके। अरे भाई, आप सुनने को तैयारी नहीं, संगीत सैंपल साइज चल रहा है, अगर आपके पास कोई टीवी स्क्रीन है आप सैंपल साइज देख लीजिए, कितने सर्वेयर थे, कितने लोकसभा क्षेत्र थे, इंटरव्यू कितने हुए, दिन कितने लगे, गांव और शहर कितने काउंट किए गए, विधानसभा क्षेत्र कितने थे, सब देख लीजिए ना, टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अरे भाई आप जवाब तो सुन लीजिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ, टोटल बूथ 10.5 लाख है, अगर एक बूथ आप एक ये, सर्वे, ये एक जो बार बार ट्रांसपेरेंसी और सैंपल साइज पे सवाल उठाती है ना, ये सवाल बाद के लिए रखिए, पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिए। शशि भूषण सिंह, मेरे ऐसे भी बोल देना चाहता हूँ कि सारे बूथ पर सैंपलिंग नहीं की जाती, सारे है, एक हड़िया का चावल होता है, उसमें एक ही दाना उठाया जाता है और उसकी अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, हम बेशक उसको खारिज कर दें, वो कोई जरूरी नहीं होता है, बहुत बार बात हो चुकी है इस मुद्दे में।